तो गाइज़ कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका सबसे पहले तो आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। बात करेंगे कंगना रनौत स्टारर फिल्म थलाइवी को लेकर, जो कि गाइज़ अब थिएटर्स के बाद रिलीज़ कर दी गई है ओटीटी यानी कि नेटफ्लिक्स पर। गाइज़ आपको याद हो आज इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुए 3 दिन हो चुके हैं। अगर बात की जाए फिल्म को लेकर तो आपको याद हो ये फिल्म ऑफिशियल तौर पर रीमेक है साउथ इंडियन एक्ट्रेस इंडियन पॉलिटिशियन जे जयललिता की, जो कि गाइज अब हमारे बीच नहीं है। फिल्म में लीडिंग कास्ट में नजर आई बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत और अरविंद स्वामी, जो कि साउथ इंडियन एक्टर हैं। गाइज आपको याद हो फिल्म की स्टोरी मुझे इतनी खास लगी नहीं। फर्स्ट हाफ बेकार है तो सेकंड हाफ अमेजिंग, आप देखोगे पता चल जाएगा। अब बात करें फिल्म के कलेक्शन को लेकर तो आपको याद हो इस फिल्म का भी हाल कुछ बेल बॉटम जैसा रहा, बल्कि ये तो एक पैन इंडिया फिल्म थी, यानी कि रिलीज़ हुई तमिल तेलुगू और हिंदी में, फिर भी कोई कलेक्शन खास दिखा नहीं बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रही है। अपने तीसरे दिन कलेक्शन कर रही है लगभग से लगभग 3 करोड़ रुपए का, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। और इस कलेक्शन को मिलाने के बाद जो फिल्म का ओवरऑल कलेक्शन हो गया है 3 दिनों के अंदर अंदर ओटीटी से, वो है 8 करोड़ रुपये गाइज, जो कि बहुत अच्छा कलेक्शन है देखा जाए तो। गाइज आपको मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, ये फिल्म हो सकता है आने वाले टाइम में OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजोन प्राइम पर भी रिलीज़ हो सकती है, क्योंकि उन प्लेटफॉर्म्स को 20 दिन बाद का या फिर 1 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जहाँ पर उन्होंने 55 करोड़ रुपए में इस फिल्म के डिजिटल राइट्स खरीदे हैं ऑनलाइन मूवी को दिखाने के। गाइज आपको अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो फिल्मी बॉक्स ऑफिस को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।